इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों ने भी चंदा दिया जिनका ना तो मुनाफा है और ना ही कारोबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक्त दिया है, जबकि यूनिक नंबर न बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर ने अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, जबकि एसबीआई को इससे जुड़ी सभी सूचनाएं देनी थी। इससे पहले दूसरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि एसबीआई की ओर से दिए गए डेटा जिसे 14 मार्च को प्रकाशित किया गया उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों और उसे बुनाने वाली पार्टियों की जानकारी दी है, लेकिन यूनिक नंबर नहीं दिया गया जिससे ये पता लगा पाना और मिलान कर पाना मुश्किल है कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सदस्य नितिन सेठी कहते हैं शुक्रवार को हुई सुनवाई में इसी पर बहस हुई और एसबीआई और चुनाव आयोग ने जो जानकारियां दी हैं उसमें भी वो सीक्रेट नंबर नहीं है, जिससे पता चलता है कि किसने किसको पैसा दिया। गौरतलब है कि एसबीआई ने यूनिक नंबर के मिलान सहित जानकारी देने के लिए पहले 30 जून का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नितिन सेठी कहते हैं अभी हमें बस अंदाजा लग पा रहा है कि किन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किन राजनीतिक दलों को दिया है। अगर ये यूनिक नंबर आ जाए तो कोई भी पता कर सकता है इन कंपनियों ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया। एसबीआई और चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो जानकारियां और डेटा उपलब्ध कराया है उससे अभी तक कुछ मोटा मोटी जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन इस डेटा में से ये पता लगा पाना मुश्किल है कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया। नितिन सेठी कहते हैं हमें पहले ही पता था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फंड मिला। वैसे भी पुराना चलन है कि सत्ताधारी पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिलता था। इस मामले में जो सत्ताधारी पार्टी को यह पता चलता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय पूरी खबर रखता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां और कितने के बिक रहे हैं और उसके पास नियमित रूप से स्टेट बैंक से खबर मिलती रहती है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो बीजेपी को नहीं देती थी, लेकिन उन पर छापा पड़ा उसके बाद वो देने लग गई। अब इन सबको जोड़कर देखें तो पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ही अधिकांश फंड क्यों जा रहे थे, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्यों में। दूसरी बात, चुनाव आयोग और आरबीआई ने पहले आशंका जाहिर की थी कि जिसे केंद्र सरकार नजरअंदाज किया था कि ये कंपनी अपने बड़े बड़े बही खातों में से पैसे नहीं देती है बल्कि अपनी छोटी छोटी कंपनियों के रास्ते पैसे देती है और ये पैसा असल में किसका है इसे आप पता नहीं कर सकते, यानी ये सफेद है या फिर काला धन है पता नहीं लगाया जा सकता। जो पता चला कलेक्टिव रिपोर्ट्स ने चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण किया। नितिन सेठी कहते हैं ऐसी कंपनियां जिनके यहाँ छापा पड़ा है वो पार्टी फंड से पैसा दिया, ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका अपना कोई धंधा या मुनाफा नहीं है फिर वो भी पार्टियों को चंदा दिए जा रहे हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं लेकिन वो निजी तौर पर करोड़ों रुपए फंड दे रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।